विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और उनका विश्लेषण। हेलो, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी, कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से विटामिन ए की कमी के होने से शरीर में किस तरह की व्याधियां अथवा रोग पैदा हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से पैदा होने वाले रोगों में आंख यानी नेत्रों से संबंधित रोग सबसे पहले आते हैं। इसमें रात में ठीक से दिखाई न देना अथवा रात का अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी कष्ट देती है, रात में दिखाई नहीं देता है। आँखों की बीमारियों को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आँख की बनावट को भी समझ लिया जाए। ये आँख की बनावट है और इसमें ये आप देखिए, ये लेंस है, ये खाली जगह है, ये रेटिना की जगह है और यहाँ से जो है वो देखते हैं इस एरिया से, और जो अंधापन है वो यहाँ पर होता है आँख में, इस जगह पर। ये जो रेटिना है जो वहाँ से रेज आती है यहाँ पर, इस रेटिना पर जो इमेज बनती है उसमें दिक्कत पैदा होती है। जो राड्स होते हैं उनकी गड़बड़ी से, उनके ठीक से काम न करने की वजह से रात में अंधापन आता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो तकलीफ आँख की बताई गई है ये ज्यादा प्रोमिनेंट है और सबसे ज्यादा यही देखने में आती है। इसके अलावा और भी दूसरी तकलीफें हैं जिनमें त्वचा से संबंधित यानी चर्म रोगों से संबंधित भी तकलीफें हैं। विटामिन ए की कमी से एक दूसरा रोग पैदा होता है जो चर्म रोग से संबंधित है और इसको फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस कहते हैं। इसमें त्वचा यानी चर्म बड़ा कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है और खुरदरापन आ जाता है, जैसा कि आपने भारतीय किसानों में देखा है। हालांकि त्वचा रोग के जो ये रूप समझाया गया है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस का, यह और भी दूसरी बीमारियों में होता है, जैसे कि मिक्सोडिमा है और दूसरी अन्य तकलीफें हैं उसमें भी इसी तरह की तकलीफें होती हैं, लेकिन ये विटामिन ए से भी होता है इसलिए यहाँ आपको बताया गया है। कंजक्टाइवा का सूखापन, इसे जीरोसिस भी कहते हैं, यह विटामिन ए की कमी से होता है और इस रोग में आंख को गीला रखने के लिए पैदा होने वाली नमी विटामिन ए की कमी से जितना पैदा होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसलिए इस सूखापन के कारण जो भी तकलीफें होती हैं उससे आंख में अनावश्यक रगड़ होती है सूखेपन की वजह से, और आंख के जो वाइटल पार्ट्स हैं वो खराब होते हैं और बिगड़ते हैं। जीरोसिस के कारण बहुत सी तकलीफें ऐसी होती हैं जो अंधेपन से जुड़ी हुई होती हैं, और अगर इसमें लापरवाही की गई तो फिर बच्चों में या बड़ों में, बड़ी उम्र वाले या छोटे बच्चे, उनमें अंधापन होना शुरू हो जाता है। बच्चों में ये तकलीफ अगर आँख में हो रही है तो समझना चाहिए कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है और तुरंत ही किसी नेत्र चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। आजकल बच्चों में ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, इसलिए बहुत सतर्कता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं उनके अंधापन होने की प्रक्रिया न शुरू हो जाए। इसलिए सतर्क रहिए, विटामिन ए की डिफिशियंसी बहुत खतरनाक है, खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए
और बड़े बच्चों के लिए तथा बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए भी। इसके अलावा विटामिन ए की डिफिशियंसी से और भी बहुत सी तकलीफें होती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर किस्म की होती हैं और उनका अपीयरेंस बहुत जनरल किस्म का नहीं है। इसलिए जैसे ही सबसे बेहतर तरीका है, जैसे ही कोई तकलीफ लगे अपने फैमिली डॉक्टर से या आपके नजदीक कोई भी डॉक्टर है उससे सलाह लेकर के और तुरंत ही चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए, पथ्य परहेज करना चाहिए, जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और जो भी स्वास्थ्य सुधार के लिए हो सकता है वो उसके लिए प्रयास करने चाहिए। हमारा उद्देश्य आप सबको नई से नई जानकारियां देना है और जो भी शरीर के अंदर तकलीफें होती हैं उनके बारे में पहचान करने के लिए आपको ये सब वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विज्ञान के प्रसार और प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को भी बताएं। हमारे चिकित्सा केंद्र कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, वो चाहे कोई भी हो और उनका कोई भी नाम दिया गया हो, वो किसी भी तरह की हो, सभी तरह की बीमारियों का इलाज ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन, जो आयुर्वेद के सबसे अत्याधुनिक निदान ज्ञान और बीमारियों का पता लगाने के लिए आयुर्वेदिक स्कैन है, उसके द्वारा सारे शरीर की जांच करके पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की बीमारी है और उसका क्या नेचर है। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्सन बाजार, कानपुर, यूपी, इंडिया। मोबाइल 8604629190। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी ट्रीटमेंट।